मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी, श्री अरविंद इंटर कॉलेज पूरा मुजफ्फरनगर से। हमने पहले पार्ट में पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं किया था, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ निकालना और उस पर आधारित प्रश्न किए थे। पहली एक्सरसाइज हमने कर ली थी, अब हम उससे आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याओं का। उससे आगे की जो एक्सरसाइज होंगी वो हम करवाएंगे। यहाँ पर मैं साथ के साथ आपसे पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो शासन प्रशासन ने आपको निर्देश दिए हैं इस लॉकडाउन के अंतर्गत कोविड-19 से बचाव के लिए, उनका आप अक्सर से पालन करें। ये आपको विदित है कि अब तक कोविड-19 का कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है, तो आपकी सावधानी और जागरूकता ही इससे बचाव आपका कर सकती है। और उसके लिए शासन समय समय पर आपको निर्देश जारी करता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप लोगों से संवाद करते हैं, आप लोगों को निर्देशित करते हैं, आप लोगों से निवेदन करते हैं। तो यदि एक प्रधानमंत्री आपसे निवेदन कर रहा है, वो केवल आपके बचाव हेतु, आपकी सुरक्षा के लिए, और भी आपके लिए बहुत सारे कदम शासन और प्रशासन उठा रहा है। उसी क्रम में हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गजेंद्र कुमार द्वारा आपकी शिक्षा हेतु ये ऑनलाइन क्लासेस का अभियान चलाया गया है। इसका भी आप लाभ उठाएं ताकि आपकी शिक्षा का कोई अहित ना हो, आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकें। और अपना ध्यान रखिए बच्चों, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अनावश्यक रूप से घर से बाहर मत निकलिए। देखिए, ऐसी परिस्थितियों में निराशा और क्रोध, ये दो चीजें आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। जब आप घर में बंद हैं इस लॉकडाउन के अंदर, तो कभी भी निराशा को और क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, इंडोर गेमिंग का सहारा लीजिए, खेलिए, पढ़ाई कीजिए और अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताइए। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं, वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याओं में हमने जो संख्याएं ली जाती हैं उनका एचसीएफ निकालना हम सीख चुके हैं। एलसीएम हम छोटी कक्षाओं में निकाल चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, उसे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रख रहा हूँ। अगर कोई दो संख्याएं हमें ए और बी दे रखी हैं, कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं, और यदि उनका एलसीएम एल मान लिया जाए और उनका एचसीएफ एच मान लिया जाए, तो उनमें एक ही संबंध होता है कि यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ भी लेंगे, नोट भी कर लेंगे, ठीक, और इस पर आधारित आपके प्रश्न भी हम कराएंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड के लिए हम देखिए कोई दो संख्याएं लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए क्या है 140 मान लेते हैं, बी हमारे पास एक संख्या है वो हम अपनी मर्जी से 110 ले लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 140 के। अब जब मैं करना शुरू करूंगा तो देखिए आपको याद आ जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। सबसे पहले ये संख्या किससे कट सकती है, दो से काट दीजिए, 214 70 आ गया, फिर 2 से कट सकती है ये संख्या 35 आ गया, फिर 2 से कट सकती 5 से कटेगी ये संख्या, 2 से तो कटेगी नहीं है, तो फिर से आपने अभाज्य गुणनखंड लिया 5, उससे काट दी कितना आ गया 7, और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 7 से नीचे आ गया ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 140 को लिख दिया 2, फिर से गुणा 2, फिर से गुणा 5 और फिर से गुणा 7। इस रूप में आपने 140 को लिख दिया और इसे आप घातांक के रूप में लिख सकते हैं। 2 देखिए यहाँ 2 बार आया है तो इसे लिख सकते हैं 2 की घात 2, 5 एक बार आया है तो 5 की घात 1, और 7 भी एक बार आया है तो 7 की घात 1 होगी, ठीक। अब आते हैं हम बी पर। बी के भी इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करते हैं 110 के,
सबसे पहले दो से काटेंगे इसे, 55 आ गया, 55 फिर 5 से कटेगा 11 आ गया, और 11 फिर से एक अभाज्य संख्या है तो 11 से ही कटेगी 1 आ गया। तो यहाँ पर हम 110 को लिख सकते हैं अब 2 × 5 और 2 × 11, क्योंकि एक एक ही गुणनखंड है तो सबकी घात कितनी है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इन गुणनखंडों की सहायता से HCF और LCM निकालेंगे। सबसे पहले हम HCF देखिए, HCF के लिए आपको क्या देखना होता है कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड आए हैं दोनों अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के जो आपने लिए हैं, उनमें जो भी दो कॉमन गुणनखंड आए हैं या दो से अधिक कॉमन गुणनखंड आए हैं, उनमें से कॉमन फैक्टर्स के न्यूनतम घात लेके आपको चलनी होती है। जैसे यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 2 की घात कितनी है 2, और यहां पर 2 की घात कितनी है 1। तो हम इनमें से न्यूनतम घात यानी कि कम घात हम इसमें लेके चलेंगे, तो कम घात कितनी है 2 की घात 1, हमने उसका चयन करा और 2 की घात 1 ले ली चलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ 2 की घात 2 थी, यहाँ 2 की घात 1 थी, तो हम क्या लेके चले 2 की घात 1। फिर आगे बढ़िए, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 की घात 1 है, यहाँ पर भी 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 ही लिखा जाएगा, इसमें तो कोई कम है ना ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो केवल इनका गुणन जो होगा ये आपके पास आ गया HCF इसका, इन दोनों संख्याओं का HCF हमारे पास 10 आ गया। ठीक, अब हम निकालते हैं LCM। LCM में थोड़ा सा इसका जस्ट अपोजिट करना है, थोड़ा सा उल्टा लेके चलना है। जैसे यहां पे कॉमन गुणनखंड में न्यूनतम घात लिया करते थे HCF में, यहां पे कॉमन गुणनखंड की अधिकतम घात लेके चलेंगे, यानी कि जो घात ज्यादा है आप उसका चयन करेंगे। ज्यादा कौन है 2 की घात 2, उसका चयन कीजिए कॉमन फैक्टर से। यहां पे 5 की घात 1 है, यहां पर भी 5 की घात 1 है, तो 5 की घात 1 ही लिखा जाएगा। और जो अब आपके अनकॉमन है, जो फैक्टर्स आपके कॉमन नहीं है, जैसे यहां 7 है इसमें तो नहीं है, उसे अब जो कर लेते हैं। फिर यहां पर 11 है, यहां पर नहीं है, इसे भी जितनी भी घात है इसकी वो सारी की सारी यहां पर लिख देंगे। अब इनकी हम गुणा करेंगे और गुणा करके देखिए क्या आता है आपके पास, 2 × 2 = 4 20, और 20 की गुणा 7 में करेंगे तो 140, और 140 की गुणा 11 में करेंगे तो 0451, 1540 आ जाता है आपका। ठीक, अब हम वेरिफिकेशन करते हैं जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि क्या है सत्य है या नहीं है। हमने क्या लिखा था कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है यानी कि a गुणा b चेक करते हैं हम सबसे पहले, वो कितना है हमारे पास 140 और गुणा में 110, गुणनफल कितना आ जाएगा इसका 0451, ये आ गया इसका गुणनफल हमारे पास। अब हम देखते हैं कि HCF की और LCM की गुणा, यानी कि L गुणा H, L कितना आया था हमारे पास 1540, और गुणा में HCF कितना आया था हमारे पास 10 आया था, गुणा में 10 तो गुणा करी तो वो भी 15400 आया। अब ध्यान दीजिए दोनों संख्याएं बराबर आ रही है, तो हमें इसी प्रॉब्लम का सहारा इसमें एक्सरसाइज में लेना है और इसी पर आधारित हमारे प्रश्न है। तो हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से HCF और LCM निकालना, और फिर इस सूत्र के द्वारा वेरीफाई करना। देखिए कुछ प्रश्नों में क्या होगा, आपको यहां पर चार चीजें लिख रही है, 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का LCM है और HCF है। इस तरीके के भी प्रश्न आपके पास आएंगे कि इनमें से कोई 3 चीजें आपको दे रखी होंगी और चौथी आपसे पूछी जाएगी, यानी कि या तो ए और बी दे दिया, एल दे दिया, एच आपसे पूछा जा रहा है, या ए बी दे दिया, एच दे दिया और एल आपसे पूछा जा रहा है। तो इस समीकरण में रख के हम चौथे पद को निकाल सकते हैं एक रैखिक समीकरण के द्वारा हल करके। ठीक है,
अब हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं और एक्सरसाइज के प्रश्न करना शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला ही प्रश्न इसमें है आपके पास, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको मैं अभी बता चुका हूं, जितनी भी संख्या है उन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया है, इसमें से एक प्रश्न हम करते हैं। दूसरे का पहला ही पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट, इसमें दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ए आपको दे रखी है 26 और बी आपको दे रखी है 91। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 26 को लीजिए, दो से कटेगी, फिर 13, अभी 13 से ही कटेगी तो एक, तो यहां पर आप 26 को लिख सकते हैं 2 × 13, दोनों की घात 1-1 है। इसी तरीके से जब हम 91 को लिखेंगे तो 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13, ये भी अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड होने का मतलब है कि जो गुणनखंड हम चयन कर रहे हैं वो अब किसी और संख्या से ना कटते हो और संख्या से भाग ना दी जा सकती हो, उन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कह के चल रहे हैं। अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको मैंने बताया था कि जो कॉमन फैक्टर है उनका चयन करना है और न्यूनतम घात लेके चलनी है। कॉमन फैक्टर कौन है, 13, और दोनों की घात 1 ही है तो एचसीएफ आपके पास हो गया 13। अब फिर एलसीएम, एलसीएम में आपको क्या बताया था कि जो कॉमन है उसे तो लेके चलेंगे, कॉमन कौन है ये 13, इसे तो हमने लेके चला ही, और जो अनकॉमन फैक्टर आपके बचाते हैं 2 और 7, इन्हें भी इसके साथ इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पे आपके पास गुणनफल इनका आ गया 7, 2 और 13 का, 14×42 और 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि ए और बी की गुणा क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होती है। तो अब हम रख के देखेंगे, सबसे पहले ए गुणा बी यानी कि 26 × 91, और इसके बाद फिर हम रख के देखेंगे एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये क्या है आपके पास 13 और गुणा में 182। दोनों को हल करेंगे और जैसे पहले प्रश्न में आपको समझाया गया था दोनों का गुणनफल समान ही आएगा और यही आपको इसमें सत्यापित करना था। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ, समझ में आ गया होगा आपका, ये गुणा आप खुद करके देख लेंगे और उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा कि दोनों चीजें दोनों का गुणनफल बराबर ही आता है। अब आगे के प्रश्न पे चलते हैं। आगे इसमें प्रश्न आपको दिए हुए हैं, तीसरे प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसी तरीके का प्रश्न है, एचसीएफ और एलसीएम हमने इसमें भी निकाल लेते। इससे अगला प्रश्न है फिर आपका, यदि दो संख्याएं आपको दे रखी हैं 306 और 657, इनका एचसीएफ 9 है और एलसीएम इनका ज्ञात आपको करना है। देखिए कैसे, और जो सूत्र आपको लिखवाया गया था उसी का सहारा लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, ए आपके पास है 306 और बी आपके पास है 657। तो सबसे पहला काम है आपका इनके अभाज्य गुणनखंड करना। तो 306 के करेंगे तो सबसे पहले वही 2 से 1, 5, 3, ठीक है 153 है, फिर इसे किससे काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 3×15, 3 ही कम 3, फिर किससे कट सकता है ये 51, 3 से फिर से कट सकता है 3×3 और 321। अब 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 को 2 करके रख दीजिए, 1 यानी 306 को आपने लिख दिया
दो गुणा तीन कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, दो बार, तो घात दो के रूप में लिखेंगे और गुणा में 17। इसी तरीके से अब हम 657 के गुणनखंड करेंगे। 657 के सबसे पहले वही, इसे तीन से काटना शुरू कीजिए, तीन दुने छः, तीन कम तीन और तीन नम 27, फिर तीन से काट दीजिए, तीन सौ 21 और तीन दिया 9, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 73, 73 आपका 7 से नहीं कटता, 9 से नहीं कटता, ठीक है, 11 से नहीं कटता, 13 से नहीं कटता। अगर ये नहीं कट रहा है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, तो आप इसी से जो काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसे आपने लिखा 3 की घात 2 और गुणा में 73। ये तो था आपका, इसके माध्यम से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते थे, परंतु यहां पर हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, तो इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होता तो ध्यान दीजिए, 3 की घात 2 यहां से और 3 की घात 2 यहां से कॉमन आ रहा है, तो 3 की घात 2 यानी कि 9 इसका एचसीएफ हो जाएगा, और वो हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये केवल आपको दिखाया है मैंने कि वास्तव में इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। तो यहां पर आपको एचसीएफ दिया गया है वो 9 है, और एलसीएम आपको इसका ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र था आपके पास ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम, इनकी मान इसमें रखना शुरू कर दीजिए। देखिए, ए था आपके पास 306, बी था आपके पास 657, एस था आपके पास 9 और एल आपको ज्ञात करना था, तो 9 तो इधर बटे में आ जाएगा और एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 306 गुणा में 657 और बटे में 9, भाग कर दीजिए, 9 से कोई सी भी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि एचसीएफ है ये इनका, एचसीएफ है तो ये दोनों ही संख्याओं को काट सकता है, पर आप किसी एक संख्या को काटेंगे इसमें, क्योंकि बीच में गुणन है, तो गुणन में तो एक ही संख्या को काट सकते हैं हम, इस बड़े वाली संख्या को या छोटे वाले को, किसी को भी काट लें। 9 से इसे काटेंगे तो देखिए 9 दिया 27, 3 और 9 चौक 36 और गुणा में 657। दोनों संख्याओं की गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, जो भी गुणा आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ये इसका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके के प्रश्न जो आपके हैं, ये बोर्ड में भी अक्सर आया करता है आपका प्रश्न, यदि दो संख्याएं हैं उनमें से या तो एचसीएफ या एलसीएम आपको दे दिया जाएगा, और फिर उससे एक चीज देने के बाद दूसरी निकलवाई जाती है, यानी कि ए और बी आपको दे रखा है, यहां तो एच दे रखा था, ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर आपको एल दे दिया जाए और फिर आपसे एच निकलवाया जाए। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आपको प्रश्न दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। देखिए, हम इसे इंडक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, कैसे, प्रश्न नंबर 5 में 6 की घात n आपको दे रखा है, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए देखते हैं। n बराबर 1 के लिए क्या होगा आपके पास, यहां पर इसे अगर हम pn मान लें, बहुपद की तरह ट्रीट करें इसे, तो यहां पर हमारे पास p1 कितना हो जाएगा, 6 की घात 1 अर्थात 6 आ गया। फिर आप n बराबर 2 ले सकते हैं, यानी कि p2 वो होगा 6 की घात 2 जो आपके पास होता है 36। फिर आप लेंगे n बराबर 3 के, वो होता है आपका 6 की घात 3 जो हो जाएगा 216, ठीक। और इसी तरीके से
आप कुछ पद आगे लेके चलेंगे और आप देख रहे हैं कि अंतिम पद इसका सदैव कितना रहता है, 6 ही रहता है। और ये पूछ क्या रहा है हमसे कि क्या 6 की घात n में अंतिम पद कभी 0 आ सकता है क्या? तो क्या इस स्थिति में आपको लग रहा है कि अंतिम पद 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे अतः 6 की घात n में n के या n के किसी भी धन पूर्णांक मान के लिए अंतिम पद शून्य नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन करके इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमेशा अंतिम पद इसमें 6 आता है, चाहे 6 की घात आप कितनी भी लेके चले। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका होता है, इससे आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, फिर छठे प्रश्न में आपको दे रखा है कि व्याख्या कीजिए 7, 11, 13 + 13 = 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का गुणन दे रखा है, प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पहली संख्या की। जैसे आपको दे रखा है 7 × 11 × 13, तीनों के तीनों अभाज्य हैं, और प्लस में इसमें दे रखा है आपको 13, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है। सारे के सारे आपने अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, तो फिर इनका गुणनफल या इसका जो हल आएगा वो भाज्य है या नहीं है? देखिए, ध्यान दीजिए कि इसमें से और इसमें से आपका 13 बाहर कॉमन आ सकता है। आपने 13 बाहर लिया कॉमन, तो अंदर आपके पास बचा 7 × 11 + 1। अब देखिए, अंदर का सॉल्यूशन कुछ भी आए, बाहर आपको एक गुणनफल प्राप्त हो गया इसका। ठीक है, जब आपको इस संख्या का एक गुणनफल प्राप्त हो गया, यानी कि ये संख्या निश्चित रूप से 13 से तो कटेगी ही कटेगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे अब इसमें, अतः दी गई संख्या 13 से विभाज्य है। ठीक, इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है, और दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं कि उसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन लेके बाहर आप लिखेंगे कि ये 5 से विभाज्य है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7। 7 को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, 7 में कहा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि दोनों एक स्थान से अगर दौड़ना शुरू करें तो एक चक्कर पूरा सोनिया तो कितना लगा देगी, 18 मिनट में, और रवि लगाएगा इसे 12 मिनट में। तो अब ये इसमें प्रश्न उठाता है कि मान लीजिए मैं दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही समय चलते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी देर के बाद वो दोनों एक बार पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे आगे। समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में एक आपका वृत्ताकार पथ दे रखा है, ये आपको वृत्ताकार दौड़ने का मैदान दे रखा है। हम एक कोई पॉइंट लेते हैं, ये आपका मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से आपका अगर सोनिया दौड़ना शुरू करती है तो ये पूरा चक्कर वो 18 मिनट में लगाती है। ठीक है, तो सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट। फिर अगर रवि दौड़े तो रवि कितने समय में लगा देगा इस चक्कर को, 12 मिनट में। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सोनिया 18 मिनट में इस पथ को पूरा करती है, तो सोनिया की चाल कम है और रवि की चाल ज्यादा है, रवि की स्पीड ज्यादा है, इसी वजह से वो जल्दी इसका चक्कर लगा ले रहा है, तो रवि इससे आगे निकल जाएगा। एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, कुछ दूर चलने के बाद रवि आगे चलता जाएगा और रवि यहां पे पहले पहुंचेगा। ठीक है, सोनिया कहीं पीछे रह जाएगी, फिर रवि
फिर अगला चक्कर लगाएगा और जो ये 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इसे वो फिर पूरा करेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस तरीके से चक्कर लगाते लगाते वो सोनिया को उन्हें इसी स्थान पर कब पकड़ेगा, कब वो दोनों एक साथ इसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कब संभव है, जब इन दोनों का मल्टीपल कॉमन हो जाए। मल्टीपल का मतलब जो इनका गुणज है, यानी कि 18 का भी गुणज और 12 का भी गुणज आपका कॉमन हो जाए, तब भी इस पहले स्थान पर जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट था इस पर वो पुनः मिल सकेंगे। तो अगर हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है किन्हीं दो संख्याओं का, तो कॉमन मल्टीपल का मतलब है LCM, LCM का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल के हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका LCM। और LCM निकालने का तरीका वही आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 18 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 2, 12 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 2 × 2, यानी कि यहाँ पर कितना है 3 × 2 × 2 = 1 और यहाँ पर 3 × 1 × 2 = 2। अब जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसका, तो हमने आपको बताया था कि जो कॉमन गुणनखंड है उनमें से आपको मैक्सिमम पावर लेनी होती है एलसीएम निकालते हुए। तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो कितनी लेके चलेंगे 3 × 2 गुणा में। इसमें देखिए 2 भी कॉमन है, यहाँ पर यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो क्या लेके चलेंगे 2 की घात 2। ठीक, 3 की घात 2 9 हो जाता है और 2 की घात 2 4 हो जाता है, यानी कि 36 मिनट के पश्चात ये पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं अब 36 मिनट में सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, क्योंकि वो 18 मिनट में 1 चक्कर लगा पा रही थी। और रवि कितने चक्कर लगा लेगा 36 मिनट में, 3 चक्कर लगा लेगा, यानी कि सोनिया के 2 चक्कर और रवि के 3 चक्कर लगाने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। तो ये प्रश्न भी शायद आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्नावली आपकी 1.2 पूरी हो गई, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 क्या है आपकी, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में एक बार फिर से आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपको मैंने बताया था कि सभी वास्तविक संख्याएं 2 वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं, या तो वो परिमेय होंगी या वो अपरिमेय होंगी। ठीक है, तो हम परिमेय संख्याओं की पहचान कर लें तो बची हुई संख्याएं खुद ब खुद अपरिमेय हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। परिमेय संख्याओं की पहचान करने के लिए सबसे पहला नियम कि वो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो। ठीक है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में वो संख्याएं लिखी जा सकती हो, जहां पर P/Q के अंदर, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि P/Q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर होने का मतलब मैं एक भिन्न लिखता हूं 3/9, क्या इसका कोई औचित्य है, नहीं, ये पूर्ण भिन्न नहीं है, 1/3, जब तक कि ये आपका एक दूसरे से अभाज्य ना हो जाए, यानी कि इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर ना रहे, सार्वगुणनखंड इनके अंदर ना रहे। पहली बात तो ये कि इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि क्यू आपका हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि क्यू वो जीरो ना हो, पहली बात। दूसरी बात करते हैं, यदि संख्याएं दशमलव रूप में दे रखी है, यहां पर हमने भिन्नों की बात नहीं करी, अगर दशमलव रूप में दे रखी है तो दशमलव रूप में वो आपकी शांत दशमलव होनी चाहिए। ठीक है, शांत दशमलव आपने कक्षा 8 में भी पढ़ी थी, क्या होती है शांत दशमलव, जो भाग करने के पश्चात कुछ दशमलव के कुछ दूरी के बाद समाप्त हो जाए, यानी कि पूर्ण रूप से
कट जाए। और फिर तीसरी कंडीशन है, इसकी तीसरी पहचान है कि वो अगर 7.2 भी नहीं है तो वो रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, यानी कि आवर्ती संख्याएं होनी चाहिए। आवर्ती संख्याएं जैसे मैं आपको कहूं कि 1 को 3 से भाग कीजिए, 1 को 3 से भाग करेंगे तो, या 10 को 3 से भाग करेंगे तो, 10 को 3 से भाग करने पर 3.3333 एंड सो ऑन ये चला जाता है, और इसे आप बार के रूप में लिखते थे 3.3 का वर्ग। तो इस प्रकार की संख्याएं भी आवर्ती संख्याएं होती हैं। एक कंफ्यूजन आपका मैं बता दूं कि आवर्ती संख्याओं में कभी कभी क्या करते हैं आप लोग कि आपको एक संख्या दे रखी है 1.01001001 एंड सो ऑन इस तरीके से दे रखी है, तो ये संख्या आपकी रिपीटिंग नहीं है। रिपीटिंग संख्या क्या होती है कि समान दूरी के पश्चात वो रिपीट होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक क्या आ रहा है, 1-0 के बाद आ रहा है, फिर यहाँ पर 2-0 के बाद एक आ रहा है, यहाँ पे 3-0 के बाद एक आ रहा है, तो ये रिपीटिंग नंबर नहीं है और ये आपकी परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो अब आप ध्यान से इसे एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि परिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है, जो इससे आपकी चूक है वो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका ध्यान रहेगा। अब इसी पर आधारित है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम अगले पार्ट में करेंगे इसके, और इन्हें जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उन्हें अच्छी तरीके से आप लोग एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है बच्चों, और दोबारा फिर आपसे मैं एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।